वन क्लिक के सिस्टम में हम अपने प्रोडक्ट पार्टी को किस तरह मैनेज करते हैं। मेरी तमाम कस्टमर सप्लायर ये सारी मेरी पार्टी है, ये मेरे पास सप्लायर हैं, मेरे पास एम्प्लॉय हैं, कस्टमर हैं, फॉर सपोज्ड एक कस्टमर है मेरे पास, ठीक है, मैं न्यू कस्टमर ऐड करना चाहता हूँ, मैं यह कस्टमर का नाम लिख दूंगा दुल्ला, यहाँ पे मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने का बेनिफिट मुझे एक ये है कि मैं अगर ब्रांडेड SMS वगैरह के इंटीग्रेशन चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, ये कस्टमर जनरेट कोड कर दूंगा मैं, ठीक है, रेफरल कस्टमर है, वॉकिंग कस्टमर है, कस्टमर टाइप भी मैं यूटिलिटी से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर दूंगा। तो सपोज मैं इसको 5,000 रुपये क्रेडिट सेल करता हूँ, सिस्टम मुझे क्रेडिट सेल अलाउ करेगा अदरवाइज नहीं करेगा। मैं एक सेव करता हूँ और मैं पीछे देखता हूँ कस्टमर टाइप हम किस तरह ओपन करता है। ओके, क्या मैं यूटिलिटी में जाता हूँ, यूजर यूटिलिटी, यहाँ से कस्टमर टाइप मेरे पास आ रहा होगा, कस्टमर टाइप, लेकिन ये यहाँ से मैं अपने, ठीक है, कोई से भी अगर मेरे पास कार्ड सिस्टम है तो मैं सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, इसी तरह मैं होलसेलर और दूसरे कस्टमर भी ऐड कर सकता हूँ जो कि मेरे कस्टमर लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर चाहता हूँ कि यार मैं मेरे जो कस्टमर है यहाँ पे मैं अगर कोई डायनेमिक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है जो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह हम इस लिमिट को मेंटेन कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।